हे गाइस, हाय, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शाइनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाओ स्किन साइंस के एक न्यू लॉन्च्ड प्रोडक्ट का रिव्यू। सो ये जो प्रोडक्ट है ये है वाओ स्किन साइंस डैंड्रफ केयर जिंजर हेयर ऑयल। इसके साथ एक कॉम्ब एप्लीकेटर भी आता है। सो आप इसे कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उससे प्रिसाइजली आप अपने स्कैल्प पर फोकस करते हुए अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर सकेंगे। एंड इससे क्या है कि ऑयल काफी ज्यादा इजीली पेनिट्रेट करता है आपके स्कैल्प में एंड काफी इफेक्टिव भी होता है। सो आई लव यूजिंग द कॉम्ब एप्लीकेटर एंड कभी कभार मैं इस ऑयल को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ एंड उसे मैं थोड़ा सा वर्म कर लेती हूँ क्योंकि हॉट ऑयल मसाज इज परफेक्ट। और ये जो डैंड्रफ केयर जिंजर हेयर ऑयल है ये स्पेसिफिकली डैंड्रफ के लिए काफी अच्छे से काम करता है। तो अगर आपको डैंड्रफ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप ऑयल को वर्म करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे और जल्दी आपके स्कैल्प पर ऑयल पेनिट्रेट होता है एंड काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा ग्रीजी है, स्कैल्प काफी ग्रीजी है, फ्लेकी है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है और आपके हेयर जो स्ट्रैंड्स है ना उसमें कोई शाइन नहीं है, बहुत ज्यादा डल है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो गई है, हेयर ब्रेकेज आप फेस कर रहे हैं, देन दिस ऑयल विल बी परफेक्ट फॉर यू क्योंकि ये ऑयल टारगेट करता है आपके हेयर के स्पेसिफिक इश्यूज को और उसे ट्रीट करता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट्स है ना जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वाओ स्किन साइंस डैंड्रफ केयर जिंजर हेयर ऑयल आता है कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ। बहुत ही ज्यादा नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीजी, लाइट वेट हेयर ऑयल है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये 99.9% प्लांट डिराइव्ड हेयर ऑयल है जिसके अंदर जिंजर है, रोजमेरी ऑयल्स है जो कि रिच सोर्सेस है विटामिन्स की, जैसे विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी एंड एसेंशियल मिनरल्स की जैसे जिंक, आयरन एंड मैग्नीशियम। टी ट्री ऑयल है जो कि रिजुविनेट करता है हेयर को। लेमन ऑयल, लेमन विटामिन सी में रिच है, हेयर नरिशिंग प्रॉपर्टीज है लेमन के। एंड देयर इज ऑल्सो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल जो कि ओमेगा फैटी एसिड्स में रिच है, विटामिन ई में रिच है, मिनरल्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स। हेयर ऑयलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर वीक में ट्वाइस हेयर ऑयलिंग करनी है एंड ये हेयर ऑयल आपके सारे हेयर इश्यूज को काफी अच्छे से ट्रीट करता है, डैंड्रफ से लेकर हेयर फॉल इश्यूज, हेयर अगर फ्रिजी है उसे भी काफी हद तक ये रिड्यूस करता है, हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और कंडीशन करता है आपके वीक एंड डैमेज स्ट्रैंड्स को। सो ऑन अ रेगुलर बेसिस आप इस हेयर ऑयल को डेफिनेटली अपने हेयर पर जरूर अप्लाई करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी काफी अच्छे से इम्प्रूव होता है। अगर आपके स्कैल्प में इचीनेस है तो भी जो विटामिन ई है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, वो आपके स्कैल्प को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और स्कैल्प इरिटेशन को रिड्यूस करता है। ऑल्सो इस हेयर ऑयल में किसी भी तरीके का हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जैसे सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, मिनरल ऑयल या सिलिकॉन। जब हम लोग घर पे DIY करते हैं तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग एक साथ तो अपने स्कैल्प पर नहीं अप्लाई कर सकते, उतने सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल भी नहीं होते हैं ऑल टाइम, जिसकी वजह से ये ऑयल मुझे इतना पसंद आया है। एंड आप लोगों को शायद पता होगा कि वाओ स्किन साइंस एक मेड इन इंडिया ब्रांड है। इनफैक्ट जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी ऑल ओवर इंडिया से सोर्स किए जाते हैं, जैसे वाटर इज यूज्ड फ्रॉम हिमालयन स्ट्रीम्स। Currently their workforce consists of 80% of women and products cruelty free है, मतलब कोई भी ingredient animal derived नहीं होता है and ये जो packaging है ना वो भी eco friendly है, pH balanced है and dermatologically tested है। So this oil या wow skin science के सारे products ही totally safe है आपके hair में, आपके skin में इस्तेमाल करने के लिए। So teenager, men, women सभी इस oil को इस्तेमाल कर सकते हैं। And let me tell you, यहाँ पर ये जो sticker आप लोग देख रहे हैं white color का, ये actually QR code है। हर wow skin साइंस प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरीके का एक स्टिकर आपको दिखेगा, तो ये है उसकी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं आप इस स्टिकर से। आप किसी भी QR स्कैनर से इसे स्कैन कर सकते हैं तो आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के बारे में खुद पता चलेगी। इनफैक्ट हर स्कैन पर आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं विच यू कैन रिडीम ऑन योर नेक्स्ट परचेज। इस ऑयल को आप वीकली 3 times भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसे वीकली 3 times इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहते हो तो इसे वीकली 2 times भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई
कोई एक या दो दिन आप एकदम फिक्स कर दें, जैसे वेडनेसडे एंड संडे, उस दिन आप ऑयलिंग जरूर करेंगे। तो अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इसे शैम्पू करने से एक या दो घंटा पहले अप्लाई करें एंड देन उसे छोड़ दीजिए वैसा ही एक दो घंटे के लिए एंड देन शैम्पू कर लीजिए। लेकिन अगर आपको उतना ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है या फिर ऑयलिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हेयर फॉल इश्यू नहीं होते हैं, देन आप एक रात पहले शैम्पू करने से एक रात पहले अपने हेड मसाज कीजिए इस ऑयल से। काफी ज्यादा रिलैक्सिंग लगता है एंड मसाज करने से ना ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ और जल्दी हो जाएगा आपका। सो इस तरीके से आप ओवरनाइट रख सकते हैं ऑयल को एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप शैम्पू कर सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हेयर टाइप, योर हेयर प्रॉब्लम, कब आप शैम्पू करेंगे और कब आप हेयर ऑयलिंग करेंगे और कितनी देर तक ऑयल को रखेंगे अपने स्कैल्प पर। मैं पर्सनली पसंद करती हूँ ओवरनाइट रखने के लिए, तो मैं वीकली थ्राइस ऑयलिंग करती हूँ एंड मैं कभी कभार हॉट ऑयल मसाज भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो हेयर ऑयल है इससे मैं हॉट ऑयल मसाज करना पसंद करती हूँ। तो ऑयल क्या है, और भी जल्दी पेनिट्रेट करता है स्कैल्प में एंड खुद से जब हम लोग ऑयलिंग करते हैं तो प्रिसाइजली नहीं कर पाते हैं, स्कैल्प पर ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, बट विथ कॉम्ब एप्लीकेटर वी कैन अप्लाई द ऑयल प्रॉपरली। तो इसी वजह से कॉम्ब एप्लीकेटर भी मुझे इतना पसंद है। सो इस ऑयल को मैं ओवरनाइट रखना पसंद करती हूँ एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में शैम्पू कर लेती हूँ। इससे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मेरे ना डैंड्रफ की प्रॉब्लम इस साल विंटर जाने के बाद भी मेरी डैंड्रफ की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही थी। सो इसको इस्तेमाल करके डेफिनेटली मेरी डैंड्रफ की प्रॉब्लम बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है एंड आई एम टेलिंग यू, आप फर्स्ट बार जब इसे इस्तेमाल करेंगे ना उसके बाद ही आपको डिफरेंस नजर आएगा। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस हेयर ऑयल, और इस हेयर ऑयल को आप परचेस कर सकते हैं वाओ स्किन साइंस के ऐप से। आप गूगल प्ले स्टोर से वाओ ऐप को इंस्टॉल करें एंड ऐप को एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा हैसल फ्री प्रोसेस है, क्योंकि ऐप पर अलग अलग से कैटेगरीज है लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, कॉम्बो केयर्स, तो इस तरीके से ना आप इजीली प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, ऐप से शॉपिंग करने पर आपको अलग से डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स भी मिलते हैं, विच इज द बोनस पॉइंट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम देयर ऐप। एंड जो ऐप डाउनलोडिंग लिंक है और जो प्रोडक्ट परचेजिंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज, मैंने इस हेयर ऑयल को ओवरनाइट रखा था एंड देन मैंने शैम्पू किया है एंड यू कैन नोटिस द शाइन ऑन माई हेयर। काफी ज्यादा हेयर हेल्दी लग रहे हैं, मैनेजेबल लग रहे हैं और एक अलग सा शाइन भी ऐड हुआ है मेरे हेयर पे। सो आई एम क्वाइट लाइकिंग दिस हेयर ऑयल, और अभी यू कैन सी मैंने इसका काफी इस्तेमाल कर लिया है ऑलरेडी, और हेयर काफी हेल्दी भी फील हो रहे हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी काफी हद तक कंट्रोल में हुई है इसे इस्तेमाल करके एंड डैंड्रफ की प्रॉब्लम डेफिनेटली चली जाएगी इफ यू यूज दिस हेयर ऑयल। सो मेरी तरफ से तो बिग फैट थम्स अप फॉर दिस हेयर ऑयल, आप डेफिनेटली इस हेयर ऑयल को ट्राई कर सकते हैं, रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। यू कैन सी माई हेयर लुक्स सो हेल्दी and so nourished and moisturized. So yeah, that's it for today's video. Video pasand aaye to make sure video ko like kare, share kare and don't forget to subscribe to my channel. Aaj ke liye itna hi, stay blessed, stay happy, take care and bye.